जयपुरिया स्कूल आजमगढ़ में प्रवेश प्रक्रिया के साथ ही समर कैंप का भव्य आयोजन 20 जून से 27 जून तक। बेहतर शिक्षा के साथ ही बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए जल संपर्क करें जयपुरिया स्कूल आजमगढ़। ये है आजमगढ़ के कुकड़ीपुर सखियाओं में विस्तार में फैला क्रॉस वैली इंटरनेशनल स्कूल। क्रॉस वैली आजमगढ़ में अपनी 5 अलग अलग ब्रांचेस द्वारा स्टूडेंट्स को शिक्षित कर रहा है। क्रॉस वैली स्कूल CBSE दिल्ली मान्यता प्राप्त स्कूलों में से एक है। क्रॉस वैली इंटरनेशनल स्कूल में क्लास नर्सरी से लेकर 12th तक के छात्रों को वेल एजुकेटेड टीचर्स द्वारा पढ़ाया जाता है, ताकि यहाँ से शिक्षा प्राप्त कर रहे स्टूडेंट्स के भविष्य के साथ कोई खिलवाड़ न हो। ट्राई करें 9453724198 या 9450118255। ब्रांडेड फर्नीचर की खरीदारी के लिए अब आपको महानगर जाने की जरूरत नहीं। आपके शहर में ब्रांडेड फर्नीचर का एक्सक्लूसिव शोरूम ABC फर्नीचर, गोदरेज फर्नीचर, गोदरेज अलमीरा, जुआरी फर्नीचर और कर्लान मैट्रेस की सभी वैरायटी उपलब्ध। हमारा पता है ABC फर्नीचर, निकट हाली चौराहा, होटल साक्षी, सिधारी, आजमगढ़। सुरक्षा आपकी, संकल्प हमारा के भाव के साथ जनपद पुलिस ने गुरुवार को यूपी कॉप ऐप के प्रति जनता को जागरूक किया। पहाड़पुर क्षेत्र से रैली निकाल जगह जगह नुक्कड़ सभा का आयोजन कर लोगों को यूपी कॉप ऐप के बारे में जानकारी दी गई। पुलिस अधीक्षक प्रोफेसर त्रिवेणी सिंह ने स्वयं इस जागरूकता की कमान संभालते हुए लोगों से कहा कि अब उन्हें FIR दर्ज कराने के लिए, गुमशुदगी सत्यापन, चोरी व साइबर अपराध संबंधी सूचना के लिए थाने जाने की जरूरत नहीं है। वे यूपी कॉप ऐप के जरिए घर बैठे ये सभी काम आसानी से स्वयं कर सकते हैं। देखिए, ये उत्तर प्रदेश पुलिस ने यूपी कॉप एप्लीकेशन शुरू किया है। आपको FIR के लिए थाने जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप उनको अपने सर्वेंट का, अपने नौकर का वेरिफिकेशन कराना होगा तो आपको जाना की जरूरत नहीं है, थाने जाने की जरूरत नहीं है। आप एप्लीकेशन प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए अपने मोबाइल फ़ोन पे, और अपने मोबाइल फ़ोन से ही सारी चीज़ें कर सकते हैं। आप कोई भी वेरिफिकेशन, आपको कुछ भी जो सुविधाएँ, जैसे आपका मोबाइल खो गया तो आप मोबाइल खो गया तो आप थाने मत जाइए। आप ये एप्लीकेशन डाउनलोड करिए और एप्लीकेशन अपने मोबाइल फ़ोन से ही आप थाने तक पहुँच सकते हैं, और जिस थाने का मामला होगा वो थाने पर चला जाएगा। जैसे आपका कोई सामान जो शर्म के माने नहीं जाना चाहती है, वो इस एप्लीकेशन का यूज़ कर सकते हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं जो जिनके पास टाइम नहीं है, वो इस एप्लीकेशन का यूज़ करके, और ये सारी चीज़ें जैसे देखिए इसमें लिखा है कि हो जाएगा, फिर ये सारी घटनाएं देखिए, न कब्जनी, साइबर क्राइम, अगर आपके साथ फ्रॉड हो गया है, साइबर अपराध हो गया है, तो आप सीधे इस एप्लीकेशन पर जाइए, मोबाइल फ़ोन पर डाउनलोड करिए, डाउनलोड करके अपनी कंप्लेंट खुद लाद कीजिए, वो मेरे पास खुद ही चला आएगा। उसमें आपको ये लिखना पड़ेगा कि ये थाना है, वो अपने आप चलाएगा हमारे पास, आपको जाने की जरूरत नहीं, फिर पुलिस पहुंचेगी। पुलिस अधीक्षक श्री सिंह ने कहा कि थाने की 27 सेवाओं का लाभ आप घर बैठे इस ऐप के जरिए उठा सकते हैं। आपका अपना थाना आपका अपना ऐप है, जिसके जरिए घर बैठे पुलिस तक पहुंचा जा सकता है। देखिए, ये उत्तर प्रदेश पुलिस का इंडिया में सबसे बड़ा इनिशिएटिव है। यूपी का आप ऑनलाइन एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर सकते हैं। आपको थाने जाने की ज़रूरत ही नहीं है, आप अपना FIR रजिस्टर करा सकते हैं। सारे केसेस में नहीं, जो हीनियस ऑफेंस है उसमें नहीं, लेकिन ज़्यादातर में आप FIR रजिस्टर करें। जैसे आपका मोबाइल खो गया, या आप चोरी हो गई, या अज्ञात किसी ने पर्स छीन लिया, इस तरह के मुकदमे आप इससे दर्ज करवा सकते हैं। दूसरा, इस पे आप अपने नौकर का अगर चरित्र सत्यापन कराना चाहते हैं, या किसी भी तरह का वेरिफिकेशन, या आप कोई जलसा कराना चाहते हैं, आप उसका परमिशन लेना चाहते हैं, आप सीधे इस पे जाइए और करा सकते हैं।
किसी भी अपराधी की भी आप सूचना इस पर दे सकते हैं, जैसे साइबर अपराधी है, आप साइबर आप जाइए एप्लीकेशन प्ले स्टोर से, इसमें करना क्या है, सीधे प्ले स्टोर पर जाइए, यूपी कॉप आप लिखिए और यूपी कॉप से ये यूपी कॉप का एप्लीकेशन डाउनलोड हो जाएगा, आपसे कुछ इन्फॉर्मेशन मांगी जाएगी, इन्फॉर्मेशन देने के बाद ये डाउनलोड होने के बाद आप अपनी कंप्लेंट सीधे लॉज करा सकते हैं और वो सीधे संबंधित थाने को चला जाएगा। संबंधित थाना उसको रोज़ देखते रहता है कि यूपी कॉप पे इस तरह की कितनी शिकायतें आई हैं और उसका हम निस्तारण करते रहते हैं। अगर मुकदमा है तो उसके इन्वेस्टिगेशन होता है, अगर आपकी कोई रिक्वेस्ट है जैसे वेरिफिकेशन के केसेज हैं तो हम वेरीफाई करके आपको इंटीमेट भी करते हैं, आपको हम SMS से इंटीमेट भी करते हैं कि आपका ये काम हो गया है। धन्यवाद सर। इससे कितने लोग को जागरूक किया जाएगा? ये हमारा एक मुहिम है, मैं ये चाहता हूँ कि आजमगढ़ की जनता इसका पूरा इस्तेमाल करे, आजमगढ़ की जनता के बीच ये जाए एप्लीकेशन, आप अपने सीधे मोबाइल फ़ोन से आप अपने घर बैठे आप पुलिस तक पहुँच सकते हैं, इससे बढ़ के पुलिस तक पहुँचने का कोई भी माध्यम नहीं है। मैं ये अपील करता हूँ सबसे कि सारे लोग अपने मोबाइल फ़ोन पर डाउनलोड कर लें और उनकी किसी भी तरह की समस्या हो तो यूपी का आपके माध्यम से वो हमारे तक पहुँचे। जो लोग थाने नहीं जाना चाहते डरते हैं सर, उसके लिए कितना काम आएगा? उनके लिए बहुत ही सही एप्लीकेशन है। बहुत से ऐसे केसेज हैं जिसमें हमारी लड़कियां हैं जिनको लोग हैरेस करते रहते हैं, वो सीधे इस यूपी का एप्लीकेशन से जा सकती हैं। वैसे तो हमारी और भी सुविधाएँ हैं, 100 पर डायल कर लें, 1090 में हमने ये सुविधा दी है कि नाम भी बताने की ज़रूरत नहीं है, कंप्लेंट करिए और जो इस सोहदे हैं और जो इस तरह के हैरेस करने वाले हैं उनके खिलाफ़ कार्रवाई होगी। लेकिन और सब यूपी की ढेर सारी सर्विसेज जो है यूपी का आपसे जुड़ी हुई है, यूपी का एप्लीकेशन डाउनलोड करिए और इसका भरपूर इस्तेमाल करिए। मैं जनता से अपील करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में यूपी का आप डाउनलोड करके पुलिस की सहायता। आजमगढ़ शहर के तीन तरफ से बहने वाली पतित पावनी तमसा नदी के पुनरुद्धार की दिशा में कवायद तेज हो गई है। विशेष रूप से नदी के दोनों किनारों पर अवैध रूप से बने मकानों के कारण अवरुद्ध हो रही धारा को लेकर राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण यानी NGT सख्त हो गया है। निर्देश के अनुपालन में बुधवार को आजमगढ़ विकास प्राधिकरण के 3 सदस्यीय टीम ने नदी के दोनों किनारों पर 75 मीटर तक बने मकानों के चिन्हीकरण का कार्य शुरू कर दिया। इसके लिए 15 दिन का मौका दिया गया है। उधर NGT के निर्देश पर नदी के दोनों तरफ की जा रही चिन्हांकन प्रक्रिया को देख अवैध रूप से निर्माण करने वाले सैकड़ों लोगों में हड़कंप की स्थिति दिख रही है। नदी के दोनों किनारों से 75 मीटर की दूरी के बीच हुए निर्माण के चिन्हीकरण के लिए 3 सदस्यीय टीम गठित की गई है। इसमें सहायक अभियंता DB राम, अवर अभियंता रमाशंकर वर्मा व मानचित्रकार विजभूषण वर्मा को शामिल किया गया है। चिन्हीकरण की प्रक्रिया पूरी होने के बाद अवैध निर्माण करने वालों को नोटिस जारी की जाएगी। हाई स्पीड सुनवाई पूरी होने के बाद उच्च स्तरीय टीम गठित होगी। टीम में ADA के अलावा बाड़खंड सिंचाई विभाग, पुलिस विभाग, राजस्व विभाग के अधिकारी शामिल रहेंगे। जिलाधिकारी को रिपोर्ट प्रस्तुत करने के बाद नदी के किनारे 75 मीटर के अंदर बने निर्माण का ध्वस्तीकरण कराया जाएगा। यह सीमांकन NGT के निर्देश पर नदी तट से दोनों तरफ 75 मीटर की चौड़ाई में जो दूरी है वहाँ तक का चिन्हांकन सर्वे कराया जा रहा है। उसके अंतर्गत आने वाले सभी निर्माण अवैध माने जाएंगे। इस तरह का दिशा निर्देश उच्च अधिकारियों द्वारा प्राप्त हुआ है, NGT द्वारा दिशा निर्देश प्राप्त हुआ। अभी तक कितने जगहों का सीमांकन हो चुका है? और कल से सीमांकन किया जा रहा है। कल सरा मंदराज हरैया रोड जो जाती है उधर से हम लोग चले हैं, राजघाट होते हुए बवाली मोड़ होते हुए आज शाही पुल के पास हम लोग कर रहे हैं और यह सुबह के वक्त इसका चिन्हांकन कर लिया जाता है क्योंकि कार्यालय में भी कार्य करना होता है। जैसे कि आप सीमांकन कर रहे हैं तो इसमें बहुत लोगों का मकान भी जाता होगा और काफ़ी विरोधों का सामना। हाँ, विरोध हो रहा है जिसकी जानकारी हमने सचिव महोदय को दे दिया है कि कम से कम पुलिस फोर्स उपलब्ध करावें जिससे कि कोई अड़चन न आवे और हम सुगमतापूर्वक इस कार्य को कर सकें अपने टीम के साथ। और उन्होंने कहा कि अच्छा ठीक है, इस तरह की व्यवस्था की जाएगी। और इस तरह से अभी जो मकान करीब करीब चिन्हांकित किए गए हैं, करीब 20-25 मकान चिन्हांकित कर लिए गए हैं गिराने वाले हैं।
आज ही कागज में नदी। कब तक ये कार्य पूरा हो जाएगा? अब शुरू है, लगभग एक सप्ताह का समय पहले भी मीडिया बंधुओं से बताया गया कि एक सप्ताह लगेगा इस कार्य को करने। जैसे कि जैसे ये कार्य चल रहा है, क्या ये हमेशा चलता रहेगा क्या? बीच में जो है नहीं, चिन्हांकन का कार्य कर लिया जाएगा, इसके बाद इसको पेपर में गजट किया जाएगा तथा नियमानुसार इस पर कार्रवाई करते हुए ध्वस्तीकरण की कार्रवाई जो भी अधिकारियों के निर्देशन में होगा। जिलाधिकारी नागेंद्र प्रसाद सिंह ने गुरुवार को रोडवेज का औचक निरीक्षण किया। बस स्टैंड का निर्माण कार्यदायी संस्था उत्तर प्रदेश राज्य के निर्माण निगम द्वारा कराया गया है। जिलाधिकारी के निरीक्षण में रोडवेज बस स्टैंड पर बने लिफ्ट, बाउंड्री वाल, पार्किंग, अनाउंस सिस्टम, बसों के प्लेटफॉर्म, पानी की व्यवस्था, साफ सफाई आदि को देखा गया। जिलाधिकारी ने उत्तर प्रदेश राज्य के निर्माण निगम के उप अभियंता आर के श्रीवास्तव को निर्देशित करते हुए कहा कि रोडवेज बस स्टैंड में बचे हुए कार्य को 14 अगस्त 2019 तक प्रत्येक दशा में पूरा कराकर उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम को हैंडओवर किया जाए। जिलाधिकारी ने रोडवेज के आरएम को निर्देश दिया कि रोडवेज बस स्टैंड की साफ सफाई पर विशेष ध्यान दें तथा यात्रियों की सुविधा के लिए बसों के आवागमन की सूचना एलईडी डिस्प्ले बोर्ड पर प्रदर्शित की जाए। उन्होंने यह भी निर्देश दिया कि यात्रियों की सुविधा के लिए शौचालय, पानी, प्रतीक्षालय आदि व्यवस्थाओं को भी उपलब्ध कराएं, जिससे यात्रियों को किसी भी प्रकार की परेशानी न हो। इस अवसर पर उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम के आरएम एआरएम ललित श्रीवास्तव, जूनियर इंजीनियर राम अविलास चौधरी, उत्तर प्रदेश राज्य के निर्माण निगम के उप अभियंता पीके श्रीवास्तव, एआरआई प्रशांत सिंह सहित संबंधित अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित रहे। आजमगढ़ के थाना महाराजगंज से अपहरित 2 वर्षीय बालक ऋतिक को आजमगढ़ पुलिस ने 24 घंटे के अंदर बरामद कर लिया। 17 जून को सोनी पत्नी सोनू कुमार निवासी नहरूमपुर देवरा कदीम थाना महाराजगंज द्वारा अपने 2 वर्ष के पुत्र ऋतिक के अपहरण की सूचना महाराजगंज थाने पर दी गई थी, जिसके संबंध में मुकदमा दर्ज कर लिया गया था। पुलिस अधीक्षक त्रिवेणी सिंह द्वारा इस घटना से संबंधित अपहरित बालक की तत्काल बरामदगी के लिए थाना अध्यक्ष विकास पांडे को निर्देशित किया गया। सोनी अपने पुत्र ऋतिक के साथ शिवपुर बाजार से महाराजगंज टेम्पो से आ रही थी कि पास बैठी हुई एक महिला आपसी संबंध बनाकर गाड़ी से उतरते समय बच्चे को लेकर भाग गई। भागते समय जल्दबाजी में महिला का पर्स टेम्पो में छूट गया। पर्स से महिला का आधार कार्ड प्राप्त हुआ। महिला की पहचान निशा देवी पत्नी अनिल कुमार निवासी सनपुर थाना महाराजगंज के रूप में हुई। थाना अध्यक्ष महाराजगंज द्वारा जांच के दौरान सर्विलांस टीम आजमगढ़ के सहयोग से महिला के पुरुष मित्र छिनक यादव निवासी सहदेवगंज महाराजगंज की संलिप्तता इस घटना में पाई गई। थाना अध्यक्ष महाराजगंज मय हमराह द्वारा तत्काल आरोपी छिनक यादव के घर दबिश दिया गया। छिनक की पत्नी द्वारा यह बात प्रकाश में आई कि निशा देवी का कोई पुत्र नहीं था, जिसके लिए छिनक के साथ झाड़ फूंक के लिए गोरखपुर जाती थी। थाना अध्यक्ष महाराजगंज मय हमराह के द्वारा बरदुआरी गोरखपुर पहुंचकर अपहरित बालक की बरामदगी हेतु तलाश कर रहे थे। सर्विलांस के माध्यम से निशा देवी का लोकेशन समस्तीपुर बिहार बताया गया। आजमगढ़ पुलिस की एक टीम महिला की तलाश में समस्तीपुर बिहार पहुंची, जहां से यह पता लगा कि महिला पुलिस को चकमा देकर बच्चे को आजमगढ़ में छोड़कर बिहार भाग गई। जरिए मुखबिर अपहर्ता के घर से 2 वर्षीय बालक ऋतिक को बरामद किया गया। अपहरित बच्चे की मां और दादी का आरोप है कि बच्चे का अपहरण बलि के लिए किया गया था, क्योंकि अपहरण करने वाली महिला को कोई बच्चा नहीं था। अपने मायके से जाता नहीं, अपने घर हमारे साथ जाता नहीं, बैठ के अपने गोरा में ले लाए, फिर जाते हम लेने आए और जो
बाबू को निकलने नहीं लेके खिलावत रहने लेके चल गई। कौन था वो महिला को पहचानती हैं आप? हाँ। कौन था? निशा। कहाँ से? इसके पहले भी आप जानती थी या उसी दिन पहली पहचान हुई? हम नहीं जानते, उसी दिन गई। कहाँ लेके गई थी? मैं तो चली गई बिहार। बच्चा कैसे मिला? लोग गए लेके आए मेरे गांव का और सब महाराज। कैसे पता चला कि आपका बच्चा बिहार में है? उनका प्रूफ मिल गया, एक आधार कार्ड और फोटो। आप सर आ गए शायद पूरी अमानी से ही चलनी, इनके साथ है चोर लग गई मैं निशा नाम के, इनकी माँ इनकी बाप सब लोग जानत रहना कि वो लड़की कहाँ कहा कहाँ का ना है। फिर एक बार यहाँ महाराजगंज बाजार में उतरनी, चाय पानी लोग पियल ये लगनी फोन सुने और लड़का लेके चोरा के वो चल देनी निशा। आ खोजत भैया लोग कहने कुल कंप्लीट है। एक बाद में कहाँ गई? गोरखपुर गई बलि चढ़ावा, बलि चढ़ावे के बाद वहाँ ना चढ़ा मिलल। फिर एक बाद साहब निकल गई नहीं वहाँ से, वहाँ मनाई छुटने वहाँ से भाग के यानी आज कप्तानगंज में बाजार में लड़का फेंक के इस बात के लिए बोली चढ़ाया जा रहा था। अब उनके बच्चा ना होता रहा निशा को। हाँ चार खंडित हो गए ना सोखा बतौले रहा हमारा पहला फर लेके साहब भाग गए। उनको कैसे पता चला कि आपका बेटा है महाराज जी? कैसे? अभी राही में बतियवले हुई हैं उनसे सट के, उनके साथ यानी सैदपुर से महाराज बहन अपन दिल का बात बतौले हुई हैं, तब वही लगले काम चालू हो गए। अब यही कुल से हम लोगन परेशान, इतना लोग इतना भैया इतना बाबू सब लोग परेशान हैं। आपको कैसे पता चला कि इसका बलि चढ़ाने लोग जा रहे थे? मिलल हम मने छुटल ला ना। हाँ वहाँ से फोन आयल कि यहाँ आई लाल यहाँ से गोरखपुर से लेके भग गई, तब वहाँ गई ने सब काल ही और वहाँ से रात में यहाँ भग गई, तब यह आज लड़का मिला ना साहब। कितना लोग रहे उनमें? उनकी गेंग है पता न कई गेंग है। हाँ साहब उन्हें पकड़ल जाए तब उठा बताई हैं। पुलिस अधीक्षक त्रिवेणि सिंह ने बताया कि पूरे षड्यंत्र में आरोपी की तलाश के लिए टीम संभावित स्थानों पर दबिश दे रही है, जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। महाराजगंज की घटना है, बच्ची की माँ अपने साथ टेम्पो में जा रही थी, उसके बगल में एक और औरत बैठी हुई थी जिसने अच्छे संबंध बना लिए और उसके बाद से वो जो है अचानक उस बच्चे को लेकर के भाग जाती है, बच्चे को लेकर के। और इत्तेफाक ये होता है कि टेम्पो नंबर पता रहता है, टेम्पो से जानकारी पता रहता है, वहाँ पे एक आधार कार्ड मिलता है और आधार कार्ड से ये जानकारी होती है कि ये महिला कौन है, उसका लोकेशन ट्रैक किया जाता है और ट्रैक करने के बाद पता चलता है कि वो समस्तीपुर गई हुई है। वो जब उसको इस बात की जानकारी हो जाती है तो उसने अपने पति के हाथ छोड़ करके और उस बच्चे को भाग जाती है। पूरी कहानी ये पता चलती है कि उसको तीन बार से जो उस मतलब उसको बच्चा नहीं हो रहा था तो उसने बच्चा ना होने की वजह से उसने किडनैप करने की कोशिश की बच्चे को। हम लोगों ने इसको बरामद किया है और शीघ्र ही वो औरत समस्तीपुर में उसका लोकेशन मिल रहा है, निश्चित रूप से अभी हम उसको बरामद कर लेंगे, हमारी टीम वहाँ गई हुई है। इसके पीछे एक दो और लोग हैं जो उसका काम करते हैं, झाड़ फूँक का काम करते हैं, उन पे भी हमारी नज़र, हम देखते हैं कि उनका क्या रोल है इसमें। ये बलि देने के लिए जा रहे हैं? नहीं ऐसा कुछ नहीं, अभी इन्वेस्टिगेशन में इस तरह की बात नहीं आई है। ये जरूर आई है कि उस औरत के पास कोई बच्चा नहीं था, काफ़ी दिन से प्रयास कर रही थी और एक झाड़ फूँक करने वाले पंडित जी हैं उनके यहाँ जाती थी, वो ये कहती थी कि हमारे पास बच्चा नहीं है, तो हो सकता है कि बच्चे के आशय से उसने ऐसा किया। लेकिन जब गिरफ्तारी हो जाएगी, वो लेडी पकड़ी जाएगी, तब पता चलेगा कि क्या उसका मकसद था। अभी इस बिंदु पे हमारा इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, तांत्रिक नहीं लेकिन एक ऐसे व्यक्ति के यहाँ वो जाती थी जहाँ बताती कि हमको बच्चा पैदा नहीं हो रहा, तो इस बिंदु पे भी हमारी विवेचना चल रही है।
सेठ एमआर जयपुरिया स्कूल कंधरापुर आजमगढ़ के कैंपस में गुरुवार को समर कैंप का भव्य शुभारंभ किया गया। इस कैंप में स्विमिंग पूल, स्प्लैश पूल, म्यूजिक, डांस, योगा, क्रिकेट, बैडमिंटन, चेस, कैरम, कुकिंग एवं शिल्पकला का प्रशिक्षण दिया जा रहा है, जिसमें स्विमिंग पूल एवं स्प्लैश पूल बच्चों के बीच मुख्य आकर्षण का केंद्र रहा। इस कैंप में बच्चों के बीच गजब का उत्साह देखने को मिला। इस अवसर पर स्कूल की प्रिंसिपल सीमा अबराल ने बताया कि इस कैंप में हमारे विद्यालय के लगभग 300 बच्चे एवं अन्य विद्यालयों के लगभग 150 बच्चों ने प्रतिभाग किया है। उन्होंने कहा कि ऐसे आयोजन से बच्चे हुनरमंद बनते हैं एवं शारीरिक के साथ ही उनका मानसिक विकास होता है। समर कैंप का समापन 27 जून को होगा। कैंप को सफल बनाने में संरक्षक शिशिर जायसवाल, चेयरमैन आलोक जायसवाल, निदेशक विशाल जायसवाल, ऋतिक जायसवाल सहित मैनेजमेंट टीम का विशेष योगदान रहा। क्राइम अगेंस्ट चिल्ड्रन विषय की यह कार्यशाला गुरुवार को पुलिस लाइन के सभागार में संपन्न हुई। पुलिस अधीक्षक प्रोफेसर त्रिवेणी सिंह की अध्यक्षता में इस कार्यशाला में चाइल्ड वेलफेयर सोसाइटी, एनजीओ, यूनिसेफ लखनऊ व थाने पर नियुक्त चाइल्ड वेलफेयर ऑफिसर सम्मिलित हुए। वर्कशॉप के दौरान बाल अपराध से संबंधित कानूनों, पास्को एक्ट, जेजे एक्ट के बाबत प्रतिभागियों को विस्तार से बताया गया। बाल अपराध को कैसे रोका जाए, समाज के लोगों को कैसे जागरूक किया जाए, बाल अपराध की विवेचना कैसे की जाए और दोषियों को किस प्रकार सजा दिलवाई जाए, इसको लेकर नकसिक वार्ता हुई। पुलिस अधीक्षक प्रोफेसर त्रिवेणी सिंह ने कहा कि बाल अपराधों से संबंधित केसों को कैसे हैंडल किया जाए, किस प्रकार त्वरित मेडिकल की प्रक्रिया पूर्ण हो, दोषियों को किस प्रकार सजा दिलवाई जाए, यह महत्वपूर्ण है। ये जो हमारा वर्कशॉप है, ये क्राइम अगेंस्ट चिल्ड्रेन पे हमने जो बालकों के खिलाफ जो अपराध हो रहे हैं उस पर ये हमारा वर्कशॉप है। इसमें एक्सपर्ट्स बुलाए गए हैं बाहर से, जैसे जो इस चाइल्ड वेलफेयर में काम करने वाली एनजीओ है, उसकी एनजीओ की डायरेक्टर भी आई हुई हीना जी, उसी तरह यूनिसेफ लखनऊ से कुछ एक्सपर्ट्स बुलवाए गए हैं। हमारे यहाँ जो चाइल्ड वेलफेयर कमेटी होती है उसके यहाँ पदाधिकारीगण आए हैं जो इस काम को देखते हैं। हमारे हर थानों पे एक चाइल्ड वेलफेयर ऑफिसर की नियुक्ति हुई है, वो सारे लोग आए हैं, उनको ट्रेनिंग भी दिया जा रहा है। इसमें हम उनको कानून बता रहे हैं कि पॉक्सो एक्ट और जे जे एक्ट क्या होता है, या बच्चों के खिलाफ अपराध रोकने के लिए उनको कैसे प्रयास करना चाहिए, और अगर क्राइम होता है तो उसकी विवेचना और इन्वेस्टिगेशन कैसे करना चाहिए, इसी पर ये संगोष्ठी की जा रही है। इसमें बाहर से भी एक्सपर्ट्स हैं और इनको ट्रेनिंग दिया जा रहा है बाकायदे कि एक तो कैसे बाल अपराध रोकें, अगर बाल अपराध हो जाए तो उसकी विवेचना करें कैसे करें, और विवेचना करने के बाद हम कोर्ट में कैसे इसकी पैरवी करके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सज़ा दिलाएं, ये इस वर्कशॉप का मकसद है। विकासखंड जहानागंज की ग्राम सभा कोयलारी उमरपुर के ग्रामीण प्रधान पर भारी अनियमितता का आरोप लगाते हुए कई महीनों से आंदोलनरत हैं। उनकी मांग पर मंडलायुक्त ने 6 फरवरी 2019 को टीएसी गठित कर स्थलीय जांच के आदेश भी दिए, लेकिन गठित कमेटी के आज तक जांच के लिए गांव न पहुंचने से ग्रामीणों में आक्रोश व्याप्त है। गुरुवार को जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपते हुए उन्होंने आरोप लगाया कि प्रधान के दबाव में जांच नहीं की जा रही। ग्रामीणों ने प्रधान, सेक्रेटरी और बीडीओ पर मिलीभगत कर वित्तीय हेराफेरी करने का आरोप लगाते हुए कहा कि गांव में सारा काम कागजों पर हुआ है, धरातल पर कोई भी काम नहीं किया गया है। शीघ्र से शीघ्र जाँच की मांग उठाते हुए जिलाधिकारी से उन्होंने दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई किए जाने की मांग की। इतने 6 फरवरी 2019 को आदेश दिया था जांच के लिए, जिसमें भारी वित्तीय अनियमितता
ग्राम सभा में धरातल पर कोई काम नहीं है और पोखरा तीन तीन चार बार खुदाई हुआ है, शौचालय बिल्कुल नहीं है, रोड फर्जी है कागज़ पर। सारी वित्तीय जांच के लिए हम लोग दरखास्त दिए थे और जांच कमेटी गठित हो गई, सारे पेपर मिल गए हैं। कम से कम कुछ नहीं तो 5-6 बार DM साहब से मिले हैं, CDO साहब से मिले हैं, लेकिन अभी तक जांच नहीं हुई है। प्रधान दबाव काफ़ी चारों तरफ से करा रहे हैं ताकि बरसात चालू हो जाए। बरसात चालू होने के बाद जांच खत्म हो जाएगी, यही लोग चाह रहे हैं। ग्राम प्रधान यही चाह रहा है कि बरसात जल्दी जल्दी चालू हो जाए, जाँच न हो। तो हम लोग आए हैं DM साहब से निवेदन करने के लिए कि जाँच शीघ्र की जाए, क्योंकि सारे प्रपत्र ये जांच कमेटी को मिल चुके हैं, तो अभी देर किस चीज़ की हो रही है। मेरे गांव में प्रधान द्वारा और सिगरेटरी के मिली भगत से आज तक कोई भी मौके पर कार्य नहीं हुआ है। एक ही पोखरे का बार बार नाम रख के उसका भुगतान कराया गया है, कोई स्थलीय खड़ंजा नहीं निर्माण हुआ है। जो भी निर्माण कार्य हुए हैं सब पेपर पे कार्य हुए। इसकी जाँच के लिए हमने मंडलायुक्त से शिकायत किया था, किंतु 6/2/2019 को टीम गठित होने के बावजूद माननीय खंड विकास अधिकारी महोदय की मिली भगत से 10/6/2019 तक कोई भी पेपर और TAC को उपलब्ध नहीं कराया गया। इसके लिए 10/6/2019 को हमने खंड विकास मुख्य विकास अधिकारी से मिला, तब उन्होंने दबाव डाला तो उन्होंने 2 दिन के अंदर पेपर उपलब्ध कराया। अब TAC वाले बार बार बुला रहे हैं कि सेक्रेटरी को भेज के पेपर की जांच करा दी जाए, लेकिन किंतु वो आ नहीं रहे हैं। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि बरसात होने के पहले इसकी जांच हो जाए, क्योंकि प्रधान का यही मंशा है कि किसी तरह से कि बरसात आ जाए, और बरसात हो जाएगा तो मनरेगा के तहत जो भी कार्य हुए वो सारे कार्य छिप जाएंगे। इसलिए हम लोग माननीय जिलाधिकारी महोदय के आए हैं कि इसकी अविलंब जाँच करा के दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए।